नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में हनी ट्रैप का मामला, हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ एक महिला सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं। आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से सुरेश मेहरा की ये रिपोर्ट। फतेहाबाद के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में एक चतुर श्रेणी का कर्मचारी कार्यरत है। कर्मचारी का आरोप है कि उसका मामा एक महिला को मरीज बनाकर लाया था। वह इलाज करवाने के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले गया, क्योंकि कर्मचारी के मामा ने और उस महिला ने एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। वह महिला से रोज फोन करवाता था और उसे बार बार फोन करवा करके महिला से ब्लैकमेल भी करवाने लगा। इतना ही नहीं, एक युवक को शामिल किया और उसे CIA स्टाफ का एक व्यक्ति कह करके फोन करवाया और उस पर कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि महिला ने आरोप लगाया है और आप पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और आपसे महिला ने 1 लाख रुपए की डिमांड की है और कहा है कि अगर 1 लाख रुपए दे दिए तो उसके बाद वह किसी के आगे कोई बात नहीं करेगी। इस पर कर्मचारी ने कहा कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अभी समय 20,000 रुपए पड़े हैं, बाकी बाद में दे दूंगा। कर्मचारी ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO ने वहाँ पर मौजूद SHO सुरेंद्र कंबोज सहित एक टीम बना करके पपीहा पार्क के पास पैसे लेने के लिए मिलने को बुलाया। आरोपी कार में सवार होकर के पपीहा पार्क के पास पहुँचे और वहाँ आकर के उसको फ़ोन किया। आरोपी अपनी तुरंत कार से निकले और पैसे लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आरोपियों ने कर्मचारी से पैसे लिए, पुलिस ने तुरंत उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि कहीं और किसी ऐसे मामलों में तो ये लोग संलिप्त नहीं हैं, हो सकता है ये और भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते हों, जिसका खुलासा पुलिस पूछताछ के बाद लगेगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। इसके पास कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, इसका मामा 2 पेशेंट लेके आया था, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसके जो वाइफ की उनकी कोई दिक्कत थी, उसके बारे में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को ये कहा इसका आज ही ऑपरेशन कर दो। तो इसने अपने मामा के लड़के को कहा इस तरह करके भी आज, उन्होंने बताया कि आज तो नहीं हो सकता, 5-7 दिन बाद ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद उस लेडी इसका नंबर लेके चली गई। तो बार बार इसके पास फोन किया करती थी वो। फोन करने के बाद ही उससे परेशान आ चुका था। इसने अपने जो साथी थे उसके साथ उनको बताया, इसी तरह करके मैं इनसे परेशान हो रहा हूँ। इन्होंने कहा कि उसको समझाया तो ये माने नहीं। इन्होंने क्या किया, फोन पे इनसे डिमांड करनी शुरू कर दी। शुरू में इनको ये कहा गया अभी 1 लाख रुपए आप दो, नहीं तो आपके खिलाफ हम कोई मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आपको अंदर करवा देंगे उसके। उसके बाद इनकी सेटिंग हो गई 70,000 में बढ़ी गई। उसके बाद ये कंप्लेनेट हमारे पास आया, इसने बताया मेरे साथ ये बात हो रही है। तो हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की, तो संपर्क किया फोन पे, इसको बताया। आगे जैसे इसके बाद फोन हुआ, फोन आने के बाद मौके पे गए तो वो दूसरी जो पार्टी अक्यूज पार्टी है उनको रंगे हाथों 20,000 रुपये देते हुए हमने उसको वहाँ राउंड अप कर लिया। तो एक CIA स्टाफ का मेंबर बनकर भी इस तरह की बात सामने आई है। उनमें एक है विकास नाम का है, उसने फोन पे इनको ये कहा कि मैं CIA स्टाफ से मिला। कहाँ से पकड़े गए? ये पपीहा पार्क के पास से पकड़े गए। इनकी पहचान क्या है, नाम क्या इनके? इनके पहचान एक धर्मवीर है, एक सोनू है, एक स्नेहा है, एक विकास है, कुल मिला के 1 महिला और 4 युवक है। 20,000 के अलावा और भी पैसे बरामद हुए इनसे, 500-2,000 के नोट और भी बरामद हुए हैं इसके पास। जो इसके बाद लगभग 5,79,000 और बरामद हुए हैं। इसने बताया है कि मैं हमारे खेत में काम चल रहा है, ट्यूबवेल का उसका सामान लेने आया था, तो इसके फादर के अकाउंट है उसमें से पैसे वो निकलवाए हुए हैं। गाड़ी बरामद हो रही है, जिस गाड़ी में बैठ के आए थे वो गाड़ी बरामद हो गई। ये दोनों से जितने टाइम से ये चीजें कर रहे हैं, इन्होंने अभी पूछताछ में तो यही बताया, भी इसके अलावा और नहीं बताया, बाकी पूछताछ जारी है इनके खिलाफ। पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी केस में से? इनकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो सामने नहीं आई है। गाड़ी कौन सी? दास्तुन गाड़ी। तो रिमांड वगैरह भी लिया जाएगा इनका? अभी पूछताछ जारी है, उसके बाद जो कमी रहेगी अगर नहीं बताया जाएगा तो फिर रिमांड लिया जाएगा। ठीक है।